नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में कोरोना के चलते आज पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं राजधानी के एग्जाम सेंटर पर एमपीपीएससी मेंस का और नेवी सीआईएसएफ के एग्जाम आज अभ्यर्थी दे रही हैं। वहीं जिला प्रशासन की टीम कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए अभ्यर्थियों को एग्जाम दिलवा रही है। भोपाल के एग्जामिनेशन हॉल सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर आदि की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोपाल से साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज भोपाल में संडे को लॉकडाउन लगाया गया है। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनका मूवमेंट, और यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उनका मूवमेंट अलाउ किया गया। शेष सभी आवागमन जो है वो पूरी तरह प्रतिबंधित। ये हमारा करीब 3000 का बल लगा हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स पे लगे हैं, कुछ चेकिंग पॉइंट्स पे लगे हैं, कुछ जो है आउटर नाकों में रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे लगे हैं। अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जनता सहयोग मिले। पिछली बार भी अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला था, हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी अच्छा सहयोग मिलेगा लॉकडाउन के दौरान। 3000 के अराउंड के 22 इंटरनल पॉइंट्स हैं। बाहर के नाके 5 हैं जहाँ पे हमारा बल लगा हुआ है, और इसके अतिरिक्त 122 ऐसे लोकेशन है जहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स लगे हैं। एग्जामिनीज के लिए हम लोगों ने सबको सेंसिटाइज किया हुआ है कि उनको कहीं से प्रॉब्लम ना आए, इन्विजिलेटर्स और एग्जामिनीज अपने अपने सेंटर्स तक आसानी से पहुँच सकें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।